गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आज अपने प्रारंभ हो चुकी है। देखो, लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि भैया आपके लिए, आपकी एक प्रकार से अच्छी स्कोरिंग के लिए, आपका अच्छा स्कोर हो इसके लिए अपने चैनल के ऊपर एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। समझ रहे हो, टेस्ट सीरीज 2024। अपने यहाँ पर भैया तीन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी। इन तीनों सब्जेक्ट के आपके टेस्ट लिए जाएंगे और जितने भी टेस्ट होंगे सारे आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, टेस्ट जो होंगे भैया वो छोटे क्वेश्चनों के होंगे, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आंसर कैसे देने हैं वो भी मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन एक बार वापस बता दूं क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत गलती की थी। फिर मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा तो आप ये कहोगे कि सर हमारी कॉपी क्यों नहीं चेक की। ठीक है, देखो आंसर कैसे देने भैया यहां पर मैं बता दूं आपको। इस प्रकार से सारे क्वेश्चनों के नंबर लगा के आंसर देने हैं। ठीक है, मतलब 15 क्वेश्चन है अपने। देखो आज का टेस्ट जो है वो कक्षा 12 भारतीय विज्ञान का टेस्ट है। और कौन सा टेस्ट है? पहला टेस्ट है। चैप्टर कौन से है अपने? पहला और दूसरा, मतलब राजनीति विज्ञान की अपने जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक के अपने स्टार्टिंग के दो दो चैप्टर है, उन दोनों चैप्टर का आज टेस्ट है। पहला चैप्टर तो बोध योजना का अंत है, दूसरा हो गया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इन दोनों चैप्टर के भी छोटे क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जा रहा है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 15 है। अब बात आती है गुरुजी आंसर कैसे देने हैं। या तो आप कल वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है, या मैं वापस बता दूं भैया आंसर आपको या तो अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है, या फिर आपको टेलीग्राम पे सेंड करने हैं। देखो यहां पर जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मैं उनको वापस बता दूं कि अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर ले। उसमें देखो किसी प्रकार का कोई चार्ज आपके लगने वाला है नहीं, ना कोई मेरे फायदा है, फायदा आपके ही है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट से संबंधित जितनी भी न्यूज होगी वो मैं सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा आपकी 12वीं की बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, तो वो आप ज्वाइन कर ले। और फिर टेलीग्राम के ऊपर भी आप मुझको इनके आंसर भेज सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मुझे आप डायरेक्ट आंसर भेज दो, बस इतना ध्यान रखना है नंबर जरूर से लगाना है 1 2 3, ये कौन से का उत्तर है, ये कौन से का उत्तर है। क्लियर है? इतनी बात समझ गए। अब यहां पर देखो कई बार मिस्टेक होती है कई बच्चों के कि गुरुजी इनके आंसर कैसे दे। अब पहला क्वेश्चन देखो, समझो शोक थेरेपी अपनाई गई थी। ठीक है, अब मान लो सपोज कर लो इसका आंसर ए है, तो अब बच्चे क्या लिखते हैं? ए। ठीक है, दूसरे का आंसर मान लो ब है, बच्चों ने लिख दिया ब। ऐसा अगर आप लिखते हो तो भैया ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि ए के साथ में सन कौन सी है 1988, ये भी आप जरूर से लिखना साथ साथ में। समझ गए? थोड़ा सा तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात भैया, जो भी बच्चे आंसर दे वो ऊपर अपना नाम, अपने पिता ये सॉरी अपने स्कूल का नाम और जिला, या ज्यादा भी नहीं तो कम से कम अपना नाम और जिला जरूर से लिखे। क्योंकि जब मैं रिजल्ट की घोषणा करूंगा, ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही नाम के दो बच्चे आ जाए। ठीक है, अब कंफ्यूज हो जाती है बच्चों की मैं कौन सा हूं इनमें। जैसे मान लो मनोज नाम के दो बच्चे हो गए, अब टेस्ट 4 मनोज ने दिया हो, अब वो सोचे कि कौन सा मनोज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने नाम के साथ में ऊपर नाम लिख देना, नाम मनोज, जिला सीकर। ठीक है, जैसे सीकर के वो सीकर लिख दो, हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ लिख दो, धौलपुर वाले धौलपुर लिख दो। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक 24 घंटे बाद भैया मैं आपको इस पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा यहीं पर बोर्ड के ऊपर। ठीक है, यहां पर जो टॉप 10 बच्चे होंगे, मतलब ऊपर के 10 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है इस टेस्ट में, उनके नाम लूंगा। क्लियर है इतनी बात? साथ ही साथ में उन टॉप 10 बच्चे जो है, जो सबसे ऊपर के टॉप 10 बच्चे हैं, उनके नाम जो है उनकी लिस्ट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराई जाएगी। इतनी बात समझ गए? यहां पर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भैया अपने क्वेश्चनों की। देखो यहां पर टोटल 15 क्वेश्चन है, और भैया अपना टारगेट जो है वो इस बार क्या है, अब की बार 90+ पार। देखो मैं वापस बता दूं भैया, गारंटी के साथ में कह रहा हूं, जो बच्चे मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं पहले से,
आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, लास्ट ईयर वालों से कंसल्ट कर सकते हो, उनसे लास्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनसे आप विचार विमर्श करके कह सकते हो कि सर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं वापस कर रहा हूं भैया, देखो जो भी मैं टेस्ट ले रहा हूं आपके, उन टेस्टों के क्वेश्चन जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं, छोटे और बड़े क्वेश्चन, वो इनको आप तैयार कर लो, आपके 90 प्लस का पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? मतलब आपको ये क्वेश्चन तैयार, जैसे पहला और दूसरा चैप्टर है इनके छोटे क्वेश्चन में आपको उपलब्ध करा चुका हूं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पूरी बुक करवा दी है, पहली बुक तो पॉलिटिकल साइंस की, सेकंड बुक चल रही है, पहले दूसरे चैप्टर के मैं आपको छोटे क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूं, अब यहां पर ये टेस्ट के 15 क्वेश्चन दे चुका हूं। अब पहले और दूसरे चैप्टर से जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, मान लो एक एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बस आपको इन्हीं को तैयार करना है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लो, 90 प्लस पेपर जो है वो आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। इनके अलावा फिर भी अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, क्लियर है। अब देखो भैया यहाँ पर टोटल आपके सामने 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर देना है, समझ रहे हो? 24 घंटे क्यों? क्योंकि कल इसी समय में आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, सॉल्यूशन कराने से पहले जिनकी कॉपी आ गई वो चेक कर दूंगा, सॉल्यूशन कराने के बाद में जिनकी कॉपी आएगी वो चेक नहीं कराऊंगा, आपकी जितनी गलतियां होगी वो उसी समय आपकी जो कॉपी चेक करूंगा उसी समय बता दूंगा कि आपके इतने रॉन्ग है इतने करेक्ट है, क्लियर है। अब आप खुद अनुमान लगा लो क्या इस प्रकार का सिस्टम पूरे यूट्यूब पर कहीं पर है क्या, क्योंकि मुझे पता है कि कॉपियां बहुत सारी आएगी, इनको चेक करना भैया बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब अपने जल्दी जल्दी क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी, ठीक है। दूसरा है 1917 में हुई रूसी क्रांति के नायक कौन थे। तीसरा है इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। सॉरी, चौथा है भैया भारत ने पूर्व की ओर चलो नीति कब अपनाई थी। पांचवा है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। छठवा है किस चीनी नेता ने चीन में खुले द्वार की नीति अपनाई। सातवा है भैया भारत ने आसियान के किन सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। सदस्य देशों के नाम लिखने आपको। आठवा है आसियान शैली क्या है बताइए। देखो सारे प्रश्न जो है वो छोटे प्रश्न है, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर एक लाइन से ज्यादा नहीं देना है, समझ गए। नौवा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। दसवा है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी क्या थी। ग्यारहवा है बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, नाम लिखने आपको। बारहवा है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था। तेरहवा है भारत और रूस का सपना किस प्रकार के विश्व का है, एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है, बहुध्रुवीय है, किस प्रकार का है। चौदहवा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, आपको उस जगह का नाम लिखना है, देश का नाम आपको लिखना है। पंद्रवा है आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, पहले तो सदस्य देशों की संख्या लिखनी है, फिर अंतिम सदस्य देश का नाम लिखना है, अंतिम कौन सा जुड़ा था, समझ गए। जैसे मान लो कि अपने यूएनओ के कितने सदस्य देश है, 193 है, तो उसी प्रकार से इसके सदस्य देश लिखने हैं। यूएनओ का अंतिम कौन सा है, अपने दक्षिण कोरिया, देश दक्षिण सूडान है, तो उसी प्रकार से इसका आपको लिखना है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है भैया, इन 15 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, क्लियर है। और पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में आपको टेस्ट देना है, चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपना खुद का लॉस कर रहे हो, ओके। अब इसके अलावा भी अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल इसी समय सॉल्यूशन के साथ। लेट्स